आवर फर्स्ट वर्ड इज वाइब्रेंट, दिस इज अ एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है जोशपूर्ण यानी कि एनर्जेटिक। सिनोनिम्स होता है स्पिरिटेड, एंटोनिम्स होता है डिस्पिरिटेड। एग्जाम्पल्स सेंटेंस के लिए देख लेते हैं, द रिच मर्चेंट्स आर अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट इकोनॉमी। आवर सेकेंड वर्ड इज फॉगेटिव, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है भगोड़ा। अ पर्सन एस्केपिंग लॉ, सिनोनिम्स होता है एस्केपिंग, एंटोनिम्स होता है एंड्यूरिंग, कंफ्रंटिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस, द फॉगेटिव डोंट रियली लीव दिस कैबिन टू अवॉइड एनी सोशल कॉन्टैक्ट। आवर थर्ड वर्ड इज कंसर्न, दिस इज अ नाउन, कंसर्न यानी कि योर पार्टनर योर संगी। सिनोनिम्स होता है कंपेनियन मेट, एंटोनिम्स होता है एनिमी, और एग्जाम्पल सेंटेंस होता है ही इज माई ट्रू कंसर्न। नेक्स्ट इज वीप, वीप दिस इज अ वर्ब, वीप यानी कि पीटना बैश करना। सिनोनिम्स होता है बीट, एंटोनिम्स होता है कॉम्प्लीमेंट, और एग्जाम्पल सेंटेंस ही वॉज बीट बैडली। नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूअस, दिस इज एडजेक्टिव यानी कि लगातार बार बार। सिनोनिम्स होता है कंटिन्यूअस, एंटोनिम्स होता है फिनिश या एंड। एग्जाम्पल सेंटेंस, योर वर्ड आर द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इंस्पिरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्ज, दिस इज वर्ड यानी कि नकली बनाना। सिनोनिम्स है फैब्रिकेट, एंटोनिम्स प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, दे फॉर्ज द सिग्नेचर ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड आर नाउ इन जेल।